तो आप लोग को इंट्रो से पता चल गया हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फाइनली हम लोग जो है कल्याणपुर पहुँचते हैं। कल्याणपुर पहुँचने के बाद वहाँ पे कुछ ट्रैफिक वगैरह हम लोग को, और आपको मुसरी घराड़ी वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। वहाँ पे आपको एक पेट्रोल पंप नज़दीक में आपको नज़र आ रहा होगा साइड में, वहीं से आपको राइट लेना है। जैसे ही आप राइट लीजिएगा ना, आपको हाईवे पर से ही जो है ये वाटर पार्क आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ही आप टर्न लीजिएगा, देखिए दोस्तों रेनबो वाटर पार्क हम लोग एंट्री ले लिए हैं। आपको हर एक चीज़ बताएंगे इस वीडियो में, कितना प्राइस है, कैसे एंट्री मिलता है और कितना देर उसमें इंजॉय करने देता है आपको, आप लोग कब जाओ वो भी टाइमिंग बताएंगे ताकि आप लोग को लाइन लगना ना पड़े। फाइनली हम उस लोकेशन पे पहुंचते हैं। मेरा दोस्त गया गाड़ी पार्क करने के लिए, हम लोग लाइन देख के घबरा गए। इतना धूप में इतना बड़ा लाइन, छाया भी नहीं दोस्तों, वहाँ पर क्या होगा। रेनबो वाटर पार्क जो कि समस्तीपुर में अभी अभी ओपनिंग ही हुआ है, और मेरे पीछे भीड़ वगैरह देख सकते हैं कितना भयानक है। हम लोग अंदर एंट्री लेंगे, जाएंगे, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। मेरा दोस्त गया फोर व्हीलर पार्क करने के लिए, एक यहाँ है दोस्तों, ये टिकट काउंटर है जो कि देख सकते हैं टिकट काउंटर, और इसके बगल में भी जो है ये एंट्री गेट हो गई। आपको टिकट प्राइस भी बताएंगे, वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट में हम आपको टिकट प्राइस बताएंगे कैसे क्या है नहीं है। फाइनली गाइस हम लोग को अंदर एंट्री मिल गया बहुत देर के बाद, यही कुछ अंदर का नजारा है। चलिए कॉस्ट्यूम लेंगे तभी तो जा सकते हैं। बहुत लोचा है यार यहाँ पे। कॉस्ट्यूम के लिए झगड़ा हो गया यहाँ पे। यहाँ के एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही खराब है, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते हैं इतना बैड एक्सपीरियंस। नेमली डेढ़ घंटा हम लोग उस समय पर कॉस्ट्यूम वगैरह ही व्यवस्था करने में टाइम लग गया। कुछ और नहीं, आज संडे था, संडे का निकलना मेरे पीछे का इतना भयानक है। संडे है, संडे में देखिए ये स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं हम लोग। मंदिर बुलाए हैं, भीड़ तो बहुत अच्छा आ रहा है। फाइनली डेढ़ घंटा हम लोग को टाइम से स्पेंड करना लगता है कि और जो सही से बना गया है। देखिए ये भी अपना ब्लॉगिंग चालू किए हुए हैं भाई, कैसा लग रहा है भाई, इनको देखिए लग रहा है कि आईटी का जो छापा ये नहीं पड़ेगा। दिखा रहे हैं आपको नजारा, सब नज़ारा सब देखिएगा यहाँ का। ये देखिएगा जी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलिए केहन लगे यो, केहन लगे एक बार से मार देवे ना, छलांग मार देवे ना, बहुत बढ़िया। लेकिन ये धूल है यार, सब सारा पानी गंदा हो जाएगा। अपना जमाना में हम ही लोग हाँ, यहाँ से सीढ़ी है, चलिए सीढ़ी पे चढ़ते हैं। गाड़ी हम लोग वहाँ पार्किंग किए हैं। ये आपको ऊपर से नज़ारा दिखा रहे हैं, कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है दोस्तों। ये वेव वाला है, इसमें दोस्तों वेव चलाते हैं ना, जैसे दोस्तों आप लोग नदी में जाते हो ना तो रेता मारता है, वही रहता है, इतना भयानक इसमें लगता है ना डर। वो होगा थिएटर, वहाँ पे लोग डांस करते हैं, और इसमें आप स्लाइडिंग वगैरह कर सकते हैं। इधर भी स्लाइडिंग है और उधर भी स्लाइडिंग है, तो हम लोग वो सबसे ऊँचे वाली स्लाइडिंग से चढ़ गए हैं। अभी हम जो है स्लाइडिंग करने वाले हैं, तो वो भी वीडियो आपको प्रॉपर दिखाएंगे, बनी रहिए। बच्चा मजे ले रहा है।
बड़ा झूला झूले है। हम भी जा रहे हैं। आई में घुस पे घुस यहाँ मजा ले रहा। देखिए लेंगे बाद में। दोस्तों इसका एक्सपीरियंस बहुत बोरिंग रहा दोस्तों। आप लोग प्लीज़ इस टाइम में मत जाइएगा जिस टाइम में हम लोग गए थे। देख रहे हैं दोस्तों कितना गैदरिंग हो रहा है। अंदर में एंट्री करने के बाद जो हम लोग कॉस्ट्यूम ले रहे थे एकदम इतना शोर शराबा हो रहा था ना, लड़की लोग का तो हिम्मत भी नहीं कर रहा था कि इस भीड़ में जाएँ दोस्तों। लड़का लोग इतना गैदरिंग कर रहा था, देख रहे हैं कितना भीड़ हो गया है। संडे को तो प्लीज़ आप लोग मत जाओ क्योंकि संडे को देख रहे हैं आउट ऑफ ज़्यादा आदमी आ गया था। न पीने के लिए पानी था, ना टिकट मिल रहा था, ना लॉकअप में सामान रखने के लिए ताला चाबी कुछ भी नहीं मिल रहा था दोस्तों। इसका टिकट प्राइस बता देना दोस्तों, पर पर्सन जो है दोस्तों 500 रुपया। अगर आप लोग जाते हो ना तो पर पर्सन 500 रुपया हमसे लिया गया है। वैसे इसका 400 रुपया टिकट प्राइस रखा गया था। कॉस्ट्यूम के लिए देख रहे हैं दोस्तों अलग से आपको 200 रुपया चार्ज देना पड़ेगा, जो कि पैंट वगैरह होता है ना जो आप लेते हो उसका ड्रेस, उसके लिए आपको 200 चार्ज लगेगा। फाइनली आपको 700 रुपया हो तभी आप लोग जाइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फिर से हम आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लाएं, कुछ न्यू आपको उद्घाटन हो तो उसके बारे में अपडेट दें। जय हिंद जय भारत।